मुंबई की टीम में रिटेन होते ही रोहित शर्मा ने रख दी तीन बहुत ही बड़ी डिमांड, जिसे सुनकर दंग रह गई नीता अंबानी। जी हां दोस्तों, आखिरकार मुंबई की टीम में रिटेन होते ही रोहित शर्मा ने रख दी कौन सी तीन बहुत ही बड़ी डिमांड, जिसे सुनने के बाद उड़ गए नीता अंबानी के भी होश। बताएंगे आपको रोहित शर्मा की उन तीन डिमांड्स के बारे में इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले, आप भी रोहित शर्मा और मुंबई इंडियंस के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 5 बार की खिताब जीतने वाली मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। टीम ने कुल 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। आपको बता दें कि इसमें मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का नाम भी शामिल है। हालांकि मुंबई ने पिछले साल ही रोहित शर्मा की जगह हार्दिक पांड्या को टीम की कप्तानी सौंपी थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि रोहित शर्मा इस टीम से अलग हो सकते हैं। लेकिन रोहित शर्मा एक बार फिर से मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। रोहित ने इस टीम के साथ 5 बार IPL की ट्रॉफी जीती है, जबकि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम का प्रदर्शन पिछले सीजन कुछ खास अच्छा नहीं रहा था। ऐसे में अब रिटेंशन के बाद रोहित शर्मा ने फ्रेंचाइजी के सामने 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं, जिसे सुनने के बाद नीता अंबानी भी काफी दंग रह गई। रोहित शर्मा की पहली डिमांड है कि हार्दिक पांड्या का बर्ताव मेरे ऊपर अच्छा होना चाहिए, वो मुझसे रिस्पेक्ट से बात करे। वहीं दूसरी डिमांड उन्होंने रखी है कि MI के मैनेजमेंट को किसी भी टीम के मुद्दे पे दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं तीसरी डिमांड के तौर पर उन्होंने कहा है कि MI की टीम में मुझे भी हक होना चाहिए कि मैं बैटिंग ऑर्डर अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकूं, ताकि टीम को मैं आगे ले जा सकूं। तो दोस्तों, क्या आप भी रोहित की इस 3 डिमांड से सहमत हैं या नहीं, आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।